आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मुझे आप लोगों से करनी है टारगेट प्रोग्राम को लेकर के। मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को सुव्यवस्थित टारगेट दूंगा जो आपके सेल्फ स्टडी को बहुत धारदार बनाएंगे। दो तीन विषयों पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे। पहला है टारगेट प्रोग्राम, इस पर कर लेते हैं। फिर रिवीजन कैसे करना चाहिए आप लोगों को, रिवीजन चूँकि आप डेली पढ़ते जाते हैं आपके पास इकट्ठा हो जा रहा है कंटेंट, तो रिवीजन करने का नायाब तरीका एक मैं ये बताऊंगा आपको कि रिवीजन कैसे किया जाता है और कितनी आसानी से आप बहुत बेहतर से, ये एक अगले सेशन अगले उसमें करूंगा। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, ये एक इशू था, तो ये तीन इशू पे मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले मैं अपना टारगेट प्रोग्राम जो मैं आपको देने वाला हूं इस मंडे से, टारगेट प्रोग्राम एक कार्यक्रम है जो हम आपके मैं आप लोगों के लिए डेवलप कर रहा हूं। पहले इसका महत्व बताऊंगा, इसका महत्व क्या होगा। मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनवाया था, टाइम टेबल अब लागू कर दीजिए, इतना भी लेट मत कर दीजिएगा कि अगले साल लागू करिएगा कि आराम से किया जाता है, तो उसको जल्दी ही लागू करिए अब, क्योंकि टाइम आप लोग उस पर ले रहे हैं। जैसे ही आपको लगे अनुकूल परिस्थितियाँ बन रही हैं आपको टाइम टेबल लागू कर देना है। और टारगेट प्रोग्राम आपका मैं मंडे से वीकली चलेगा, ये वीक टू वीक इसका रिव्यू करेंगे। हर वीक के लिए एक टारगेट दूंगा, ठीक है, और उस वीक में मैं जितना टारगेट दूंगा वही आपको काम करना है। वीक वन, फर्स्ट वीक, दो, तीन, ऐसे वीक टू वीक चलेंगे। तो लगभग मान के चलिए कि आपको 52 से 53 वीक में आपका पूरा टारगेट प्रोग्राम के तहत मैं बहुत विशिष्ट आपकी तैयारी कराने जा रहा हूँ। ये टारगेट प्रोग्राम कारगर किस किस चीज़ के लिए होंगे ये आप पहले समझ लीजिए। पहली बात है आपका जितना भी मुख्य परीक्षा से जुड़ा हुआ जितना विषय है, पहले प्रारंभिक परीक्षा के लिए मैं क्या टारगेट प्रोग्राम बना रहा हूँ आपको। प्रारंभिक परीक्षा किसी भी स्टेट पीसीएस की हो, किसी का मतलब है जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं और आईएएस एग्जाम, आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा और जितने भी हिंदी भाषी हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे एमपी पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, जो भी झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, सबके लिए बहुत कारगर होगा ये जो टारगेट प्रोग्राम प्रारंभिक परीक्षा के लिए। दूसरा मुख्य परीक्षा के लिए ये एक टारगेट प्रोग्राम है, ठीक। पहला है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, दूसरा है मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा में टारगेट दो जोड़े जाएंगे, एक डेली, ये तो वीकली टारगेट है ही लेकिन डेली टारगेट भी रहेगा आपका, वीकली टारगेट प्लस डेली टारगेट दोनों रहेगा। तो इसमें भी सभी वीक को लेकर के मैं आप लोगों को बताऊंगा, हर वीक मैं आपको एक आप लोगों के साथ साझा करूंगा अपनी जानकारी। ये सतत चलेगा, तब तक चलेगा जब तक मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं करा दूंगा आपके। हर वीक में आके आपको रिव्यू कराऊंगा। तो मंडे को मैं आपको पहला टारगेट दूंगा और वो आपको उसी वीक में ख़त्म करना होगा, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, है ना, थर्सडे, फ्राइडे, पूरा जो वीक आपका जाएगा जब तक आपको अगला टारगेट नहीं मिलता तब तक उस टारगेट में आपको रखना है, कोशिश करना है, चाहे जो हो जाए अपने लक्ष्यों को पूरा करना है, ठीक है। इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, गति बढ़ जाएगी। एक अलग प्रोग्राम होगा जो आप खुद करेंगे। इसमें मैंने दो चीज़ों को सम्मिलित किया है। पहला तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी पूछे गए हैं 30 से 40 सालों के, उनको किया है। इसका रीज़न क्या है शामिल करने का और क्यों इसे पढ़ना चाहिए, आपको मैं एक बहुत अच्छा गेम बताने वाला हूं। आप शायद इसको जाने तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। दूसरा, बेसिक बुक्स, जो बेसिक बुक्स हैं, बेसिक बुक में आपका एनसीईआरटी बुक्स आती हैं, ये दो को मैं लेके चलूँगा। बाकी एडवांस वगैरह तो हाई लेवल की बुक्स आप अलग पढ़ ही रहे हैं, वो काम आप कर रहे हैं जो आपको टाइमिंग दी गई है, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ हाई लेवल में, किसी तरीके से हम छोड़ के नहीं चल रहे, खूब डिटेल से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों तक खूब अच्छे से जानकारी जा रही है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन दो पे काम करना है आपको, प्रीवियस पे और बेसिक पे, इन दोनों को लेके ही मैं टारगेट दूंगा। प्रीवियस का महत्व समझते हैं क्या होता है। आपको एक बात बताऊं, आयोग का एक सिलेबस है, आपको पता है एक सिलेबस है जिस सिलेबस पे आयोग आपसे क्वेश्चन पूछता है पर्टिकुलर। अब आप खुद बताइए कि आयोग के यदि हम पिछले 40 साल के पिछले साल या 30 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएं, मान लो 30 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएं, तो 30 साल में आयोग ने सिलेबस से क्या छोड़ा होगा। आयोग की कोशिश यही होती है कि चीज़ें रिपीट ना हो, है ना। तो लगभग पिछले 30 सालों के यदि सिलेबस उठा के देखोगे गंभीरता से, तो आप पाओगे कि आयोग जो है पूरे के पूरे सिलेबस को रिपीट कर चुका है, रिपीटिंग हो गई उस पूरे सिलेबस की, रिपीट रिपीट रिपीट, बार 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 पूरा सिलेबस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, अब रिपीट हो रहा है। क्यों, 30 सालों में सब पूछ चुका है, कुछ बचा नहीं है। ये रिपीटिंग के कारण ही आयोग करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि अब उसको नए क्वेश्चन बनाने हैं, नए क्वेश्चन आपके जीएस वाले स्टैटिक सेक्शन से नहीं निकल पाएंगे, वो तो रिपीटिंग में जाएंगे ही जाएंगे, वही क्वेश्चन फिर रिपीट होंगे, तो उसको करंट वाले पे ज़्यादा अब तवज्जो देनी शुरू कर दी गई ताकि नए क्वेश्चनों का जन्म हो सके।
है ना, इसलिए समसामयिक घटनाक्रम अब ज़्यादा पूछा जाता है। और इसको भी पूछा जाता है, जीएस तो पूछना ही है क्योंकि वो स्टैटिक सेक्शन वो कुछ ना कुछ उसका बड़े स्तर पे बेटे जीसी का होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ आप लोगों का, एक टारगेट तो आपका ये रहेगा। दूसरा एनसीईआरटी मुख्य परीक्षा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा बहुत बेसिक से, आसान भाषा में चीज़ें निकल के आएंगे। दूसरा चीज़ ये होता है कि आप लिखने की एक शैली सीखते हो यहाँ से, बहुत अच्छी, एक तो भाषा बहुत अच्छी है, शब्द बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप यदि कोई भी, अब भाषा आपने चूंकि हिंदी ले रखी है, हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ दिक्कत है कि उनकी भाषा अच्छी नहीं है, लिखने में गलतियां करते हैं, वो कहते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता, उनके बहुत प्रॉब्लम है सिलेक्शन नहीं होने की, आपकी लिखावट अच्छी नहीं है पहली चीज, आप लिखते भी हैं तो गलत लिखते हैं, आप अपने आप को दोषारोपण नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चल रहे, एक दुष्प्रचार चल रहा है, हिंदी माध्यम के परीक्षा का रिजल्ट कम आ रहा है, तो हिंदी मीडियम का छात्र अपने ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव, मैंने जितने भी बच्चे मैक्सिमम देखे हैं उनके सबकी लिखावट और उनकी ग्रामेटिकल एरर है, उन्होंने कभी तक काम ही नहीं किया ग्रेजुएशन तक, उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ी ग्रेजुएशन, उनको लग रहा है कि हिंदी उनकी बड़ी अच्छी है। अरे भैया आपने कभी किसी से चेक कराओ अच्छे से, आपकी कॉपी में कितनी गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, आप सही हिंदी नहीं लिखना नहीं जानते हो और कहते हो हिंदी मीडियम वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या अनपढ़ को ले लिया जाए, गलत लिखने वाले को ले लिया जाए आयोग के द्वारा। तो आपको एनसीईआरटी बुक्स हैं जो बहुत आसान और सरल भाषा और अच्छी लैंग्वेज, अच्छे शब्दकोश को तैयार कराएंगे, पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा सारगर्भित जानकारी है यहाँ पे। तीसरा एक बड़े लेवल का रिसर्च है, जितनी भी एडवांस बुकों का फाउंडेशन एनसीईआरटी बुक्स ही हैं। तो हमारा मुख्य परीक्षा को लेकर चूंकि आप लिखना जानेंगे, सीखेंगे, इससे डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक्स आपको सोचना सिखाएंगे, उनमें क्वेश्चंस दिए होते हैं वो आपको थिंक कराना सिखाएंगे, तो प्रॉपरली हम एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ेंगे। और इसको कैसे पढ़ना है, किस बुक को क्या करना है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और पढ़ाऊंगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके फैक्ट अच्छे हो जाएंगे, यहाँ से फैक्चुअल फैक्ट दोनों से मिलेंगे, एनसीईआरटी भी आपको फैक्ट देगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको फैक्ट देंगे। तो फैक्ट हमें दोनों से मिलेंगे, दोनों से ही हमको इससे लिखने की शैली और इससे फैक्चुअल नॉलेज, दोनों का सम्मिश्रण होता है तभी विश्लेषण बनता है, बिना फैक्ट के कौन विश्लेषण कर सकता है, ये बेकार की बात होती है, बिना मतलब की बात की विश्लेषण करो भी। अरे भाई पहले पता तो करो क्या है वो, जब तक पता नहीं कहां का विश्लेषण कर दे, किसका लिख दे, जब तक उसके बारे में सही और समुचित और व्यवस्थित सारगर्भित जानकारी नहीं होगी, विश्लेषण हवा में होगा, हवा में विश्लेषण किया जाता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला काम है कि अब मैं क्या करूँगा, आपको मेरा काम क्या है, हर वीक में आपको टारगेट दूंगा, मैं एक बुक बताऊंगा, एनसीईआरटी की बुक एक बताऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसके लिए बताऊंगा, उनके लिमिटेड पेज बताऊंगा कि इतने पेज आपको करने हैं, उतने पेज उस वीक में आप करेंगे। इसको कैसे पढ़ना है, पढ़ना पहले बताऊंगा आपको कि पढ़ेंगे कैसे, कैसे करना है, ये नहीं रटना है, ठीक है, बहुत फास्टली करना है, टाइम कम है हमारे पास, एनसीईआरटी बुक्स बहुत ज़्यादा हैं संख्या में, ठीक है। और इसमें भी मैं आपको पेजेस बताऊंगा कि भाई इस पर्टिकुलर बुक को आपको इतना करना है, बाकी जो एडवांस करा रहा हूँ इसको आपको किसी तरीके से नहीं छोड़ना है, इसको भी करते रहना है। तो यहाँ से आपके फैक्ट बड़े बेहतर तरीके से होंगे, थोड़ा ही टाइम देंगे आप और यहाँ से आपका एनालिसिस और ये अच्छा होगा। तो अगले वीक से तैयार रखिएगा, अगले वीक का मतलब है मंडे कब पड़ रहा है, डेट क्या पड़ेगी, मुझे लग रहा है 5 तारीख 5 अगस्त, तो 5 अगस्त से हमारा ये काम भी चालू हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप अपनी क्लास के लिए जो मैंने टाइम टेबल बनाया, प्री कम मेंस टाइम पे करिए, उसे शुरू कर दीजिए, मेंस ओनली को मेंस ओनली टाइम पे करिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऑप्शनल टाइम पे करिए, जो तीनों मैंने टाइम टेबल बनाया है संस्था में हो रही हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो रही हैं, इसलिए आपका काम है कि आप इसको कंटिन्यूअस करिए दोनों चीज़ों को, और टारगेट को सेट कर दीजिए। मैंने सुबह टाइम आपको एनसीईआरटी के लिए बताया था या प्रीवियस ईयर के लिए बताया, जो भी एडजस्ट करना है आपको उसको, और रिवीजन करने का तरीका मैं बताऊंगा, रिवीजन चूंकि मैंने उसमें टाइम टेबल में नहीं डाला, रीज़न है उसका मैं बताऊंगा क्या रीज़न है, आपको डेली बेसिस पे रिवीजन दूंगा, आप नहीं करेंगे उसका रिवीजन, आप फिर नया ही पढ़ना चाहेंगे, रिवीजन का एक बहुत अच्छा तरीका है, आपको बहुत अच्छा मज़ा आ जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन कैसे और कब किया जाता है, उसके लिए इंतजार कीजिए, हो सकता है कल मैं उसके लिए आधे घंटे का टाइम निकाल के आपसे कल उस पर डिस्कशन करूँ। तो पहले अब ये काम हमें शुरू करना है, आप अपनी शेड्यूल पे आ जाइए और हर वीक को एक टारगेट के लिए तैयार रहिएगा, और वो बुक्स आपके पास, पहली शर्त है आपके पास किताबें होनी चाहिए, जो भी मैं टारगेट दूंगा उसकी किताबें आपके पास होना अनिवार्य है, ये ना रहे कि किताब नहीं आप किसी दूसरे की किताब से कर रहे हैं, किसी तीसरे की किताब से कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, जो है अपनी किताब से करेंगे और पर्टिकुलर टाइम पे करेंगे। टारगेट वाली बुकों के साथ एक काम और करना है, टारगेट वाली जो बुकें मैं आपको बताऊंगा वो बुक अपने हाथ में 24 घंटे रखनी है, 24 घंटे का मतलब है मैक्सिमम टाइम,
सोते जगते उठते हर चीज़, वो बुकें ज़रूर होनी चाहिए ताकि जो भी टाइम मिले, जैसे क्लास में बैठे हो थोड़ा सा भी टाइम हो रहा तो टारगेट करना चालू अपना, उसको जितना जल्दी हो सके और बेहतर है, उस पर डिले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो किताबें आपके साथ चलेंगी, बस हर जगह पे वो रहेंगी। आप या ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी पे, ट्रेन पे बैठे हैं, बस पे बैठे हैं, ऑटो पे बैठे हैं, उनको पढ़ना चालू, वो जुनून आना चाहिए। अब अभी देख रहे हैं ना कांवड़ यात्रा में क्या हुआ, लोग जुनून के धुन के सवार होते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा बोझा लिए हैं, लोड लिए हैं, उसमें पानी भरा हुआ है और चल रहे हैं बस। क्यों धुन सवार है किसी चीज़ को लेकर के, वैसे ही धुन सवार हूँ। देखो कितनी लंबी लंबी यात्राएं आसानी से निकल जाती हैं, पैर में दर्द है सब कुछ, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि एक धुन सवार हो जाए मेरे साथ आप लोगों के, ठीक है ना। ये आप यदि काम कर लो अच्छे से टारगेट पे, हम बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखो घर पे आप जाके क्या करते हो मुझे नहीं पता, आपका घर आपका पर्सनल चीज़ है, क्या दिक्कत है आपके साथ, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है। सिर्फ एक काम के लिए आप आए हो यहाँ पे, पढ़ने के लिए, बस दूसरे किसी काम के लिए नहीं आए हो, इसलिए दूसरी चीज़ों पे दिमाग ना लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर है। आराम से पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, बस सिर्फ पढ़िए, जितना पढ़ सकते हो खपा दीजिए पढ़ाई में अपने को। तो उस चीज़ को लेकर ये मैं चलाऊंगा बहुत लंबा, हो सकता है एक साल डेढ़ साल तक आपका टारगेट चले पूरा, जब तक ये पूरे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। और अभी जितने भी एग्जाम है, जैसे कुछ लोग लोअर पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे पक्का, पहले वही पढ़ रहा है, तो लोअर पीसीएस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा करने वाला है। बिहार पीसीएस का एग्जाम भी आपका आएगा, उसमें भी ये होगा। यूपी पीसीएस के लिए रामबाण चीज़ है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम आपके आसपास होंगे, आईएएस का एग्जाम जिसका अगले साल है उसके लिए भी है, तो सबके लिए काम आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो सबको पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ना है। रिपीट बहुत होते हैं, 50% प्लस क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे आपको इसलिए। और एक चीज़ और, एक गेम और आप सीखोगे इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से। आप देख रहे हो बिहार वाले का यूपी वाला पूछ रहा है, यूपी वाले का एमपी वाला पूछ रहा है, एमपी वाले को झारखंड पूछ रहा है ना, यूपीएससी वाले तक कोई लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपको गेम पता चलेगा इनका। क्वेश्चन कुछ नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर, इधर उधर के आयोग इधर उधर के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत अच्छे से काम करना, बहुत अच्छे से 22,000, 25,000, 30,000, 50,000 जो फैक्ट हो वो फैक्ट आपके दिमाग में चले जाएंगे। तरीका पहले मैं पढ़ने का बताऊंगा आपको, ठीक है। कल होगी तरीके पे बात, कल तरीके पे बात होगी और उसके बाद नेक्स्ट डे रिवीजन पे बात होगी, मुझे याद दिलाएंगे आप। तरीके के लिए आपको क्या करना है, एक अपने पास बुक जरूर लेके आइएगा, सभी लोग एक एक बुक जरूर लेके आइएगा ताकि मैं वो चीज़ आपके साथ करवा सकूं, ठीक। एक बुक जरूर लाइएगा, एनसीईआरटी ले आइएगा तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि एनसीईआरटी पढ़ना मुझे आपको सिखाना है तो रीडिंग स्किल पे कल काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और मंडे से इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। और अपनी जो शेड्यूल है उसको कोशिश करिए मंडे से आप लागू कर दीजिए, क्योंकि एक वीक होने जा रहा है, एक वीक इनफ टाइम होता है अपने आप को प्रिपेयर करने का, ठीक है ना। तो टारगेट का एक तो ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, दूसरा है इसी में देखो करंट अफेयर्स भी रहेगा, करंट अफेयर्स यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, बीच बीच में आपको एक मंथ का करंट अफेयर्स उसका भी दूंगा टारगेट, सब कुछ होगा। अब देखिएगा जब मैं इसको मंडे को बताऊंगा आपको, बस इसीलिए अचानक से मैं सारा नहीं बता दूंगा, मैं बस एक एक वीक में आके बताऊंगा कि भाई इस बुक के इतना करना है, उतना करके आपको रखना है, बस वो आपकी जिम्मेदारी है, इस वीक का इतना करना है, इस वीक का इतना करना, और आप सब करेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जो टॉपिक है आपका 1857 का विद्रोह, इसको कल जो है मैं अच्छे से कराऊंगा।